हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यस मोम रियल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह सुपर मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो कांच की छोटी छोटी कलर की खाली बोतलें थी ना, उससे बहुत ही सुंदर सा DIY मशरूम बनाने वाले हैं। इनसे अलग अलग कलरफुल, जिसे आप गैलरी डेकोरेट कर सकते हो, गार्डन डेकोरेट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ऐसे ना फेविकोल से ना ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे, जितने बड़े हम मशरूम बना रहे हैं अलग अलग तरीके की DIY। तो ऐसे चार दो खड़ी करके, तीन खड़ी करके ऐसे उनको चिपका देंगे फेविकोल से, ऐसे सभी को। ये देखो, हम इनको एक दूसरे पे चिपका चुके हैं। चार ये बने हैं बड़े, चार ये छोटे, एक बड़ा, पांच ये, चार ये। इनको अलग अलग डिजाइन से ना हम बनाएंगे। अब ना इसी पुट्टी डो है, ये निकाल के इसमें पानी डाल के जैसे आटा लगाते हैं ना, वैसे डो बना लेंगे पुट्टी का। ये देखो, हम पुट्टी लगा चुके हैं सभी पे। अभी मैं किचन से ढक्कन लेके आई हूँ, छोटे बड़े अलग अलग साइज के बिन के ऊपर लगाने के लिए ना। ये ऐसे कार्डबोर्ड पे रख के और अलग अलग कट कर लेंगे इनको। ये देखो, हम ना इनको सभी को ना कंप्लीट कर चुके हैं, बना दिया है। अब ना कलर करना बाकी है। ये ऐसे ही अपने आप में सुंदर लग रहे हैं, अब इनको और सुंदर बनाएंगे हम कलर करके। ये कलर्स थे मेरे पास बचे हुए, उन्हीं कलरों से डेकोरेट करेंगे ना। अब इस पे ना वाइट कलर कर देंगे सभी पे, ये वाला। तो आप इस तरीके से ना प्लांट्स में भी ना इनको डेकोरेट कर सकते हो। देखो, ये देखो, हमने रेडी कर लिए हैं। और ये ना इन पे नीचे व्हाइट कलर किया है और ऊपर ना मतलब अलग अलग कलर करके, और ये पेन होता है ना उसके पीछे की साइड से डॉट डॉट लगाए हुए हैं सभी पे। आप अपने गार्डन में ऐसे अलग से इस तरह का कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आप ना पौधों में भी रख सकते हैं इनको, पौधों में डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे गार्डन और गैलरी के डेकोरेटिंग आइडियाज आने वाले हैं, जीरो बजट। तो
तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अभी यही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। खुश रहिए, खुश रखिए।